नमस्कार दोस्तों आज अधिकतर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर या वेडिंग वीडियोग्राफर फिल्म मेकिंग या वेडिंग फिल्म्स के लिए डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा का यूज करते हैं क्योंकि ये अफोर्डेबल होते हैं और इनकी वीडियो क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है लेकिन डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा की एक मेजर लिमिटेशन है वो है ऑडियो इन कैमरा से आपको प्रोफेशनल ऑडियो क्वालिटी नहीं मिल पाती फॉर मोस्ट पर्पसेस द इंटरनल माइक्स इन डी एंड मिररलेस आर प्रैक्टिकली यूजलेस और अगर आपने कितना भी अच्छा वीडियो शूट किया है लेकिन अगर आपकी ऑडियो अच्छी नहीं होगी तो उसका कोई यूज नहीं है किसी भी फिल्म में विजुअल्स जितने इंपॉर्टेंट हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी ऑडियो तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा में हम किस तरीके से बेहतर साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा में आप कैसे डिसेंट ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे एक्सएलआर कनेक्टर या एक्सएलआर केबल के बारे में डायनामिक माइक और कंडेंसर माइक क्या होते हैं वो जानेंगे इसके बाद हम लोग माइक्रोफोन पैटर्न्स पर चर्चा करेंगे शॉटगन माइक और लावलियर या जिसे हम लिपेल माइक भी बोलते हैं उनके यूजेस को समझेंगे और लास्ट में हम एक्सटर्नल साउंड रिकॉर्डर एक्सेलर एडेप्टर या प्री एम क्या होते हैं वो भी समझेंगे सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप वेडिंग फिल्म मेकर हैं या, या यूट्यूबर हैं और आपको डिसेंट क्वालिटी की ऑडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करनी है तो वो आप कैसे करेंगे डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा के इंटरनल माइक यूजलेस होते हैं जिंदगी लेकिन ऑलमोस्ट हर डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा में आपको मिनी जैक ऑडियो इनपुट मिलता है जिसमें आप अच्छी क्वालिटी के शॉटगन माइक या लिपेल माइक लगा के ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं शॉटगन माइक और लिपेल माइक क्या होते हैं ये हम आगे चर्चा करेंगे इन माइक्स को अटैच करके आपको डिसेंट ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी जिससे आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए वेब के लिए या वेडिंग शूट के लिए यूज कर सकते हैं इसके अलावा कई सेमी प्रो और प्रो कैमरा में आपको हेडफोन जैक भी मिलता है जिससे आप ऑडियो को मॉनिटर कर सकते हैं जब भी ऑडियो रिकॉर्ड करें तो हेडफ़ोन्स का इस्तेमाल जरूर करें इससे आप रियल टाइम में अपनी ऑडियो को सुन सकते हैं और अगर कोई डिस्टरबेंस है तो आपको पता चल जाता है अब ऑडियो रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स देखते हैं मैं जो कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूं वो कैन एटीडी है आप मेन्यू में जाके साउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देख सकते हैं यहां पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ऑटो इसमें कैमरा खुद से ऑडियो लेवल को सेट करता है सेकंड ऑप्शन है मैनुअल इसमें आप मैनुअली ऑडियो लेवल को सेट करते हैं और जो थर्ड ऑप्शन है वो है डिसेबल इसमें ऑडियो कैप्चर नहीं होगी बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा ऑडियो कैप्चर करते हुए आपको ध्यान देना है कि आप प्रॉपर ऑडियो लेवल में शूट करें अगर आपकी ऑडियो हाई होगी तो इट विल कॉज क्लिपिंग एंड डिस्टोर्शन और अगर लो होगी तो यू विल बी क्लोज टू द नॉइस फ्लोर एंड एक्सेसिव हिज नॉइस तो आपको कंटिन्यूसली ऑडियो को मॉनिटर करना है कि आपकी ऑडियो का लेवल 12 डीबी के आसपास हो क्योंकि 12 डीबी ऑन योर ऑडियो मीटर इज द स्वीट स्पॉट फॉर द बेस्ट सिग्नल टू नॉइस रेशियो तो अच्छे माइक्स यूज करके और अपने ऑडियो लेवल को कंटिन्यूसली मॉनिटर करके आप डिसेंट क्वालिटी का ऑडियो अपने वीडियो के साथ कैप्चर कर सकते हैं जिसको आप वेब वीडियोस के लिए यूट्यूब वीडियोस के लिए और वेडिंग फिल्म्स के लिए यूज कर सकते हैं अब बात करते हैं कि अगर आपको प्रोफेशनल ऑडियो क्वालिटी चाहिए तो वो आपको कैसे मिलेगी सबसे पहले बात करते हैं एक्सएल कनेक्शन की डीएसएलआर में आपको मिनी जैक या जिसे हम 3.5 पॉइंट फाइव जैक भी बोलते हैं वो मिलता है जिसमें हम 3.5 पॉइंट केबल यूज करते हैं लेकिन ये केबल अनबैलेंस्ड होती है बैलेंस्ड ऑडियो सिग्नल के लिए थ्री पिन एक्सएलआर कनेक्टर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है ये हेवी ड्यूटी केबल्स अलग अलग लेंथ की होती है और इसमें मेल फीमेल कॉम्बिनेशन होता है मोस्ट बल आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इंटरफेरेंस जैसे कि इलेक्ट्रिक नॉइज लेकिन अगर आप 3.5 पॉइंट mm फाइव की लॉन्ग केबल यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक नॉइज सुनाई दे सकती है तो प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए एक्सएल आर केबल काफी इंपॉर्टेंट है अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपके पास एक प्रोफेशनल लेवल का माइक होना चाहिए माइक्रोफोन क्या होते हैं माइक्रोफोन एक डिवाइस है जो ऑडियो को कैप्चर करती है बाय कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल माइक्रोफोन किसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है माइक्रोफोन बहुत सारे शेप और साइज में आते हैं अलग अलग तरह के माइक्रोफोन अलग अलग तकनीक का प्रयोग करते हैं अब बात करते हैं दो कॉमन माइक्रोफोन्स टाइप के बारे में डायनामिक माइक्रोफोन्स और कंडेसर माइक्रोफोन्स। डायनामिक माइक्रोफोन में एक चुंबक के ऊपर मेटल को लपेटा जाता है, फिर चुंबक के ऊपर एक पतली झिल्ली, जिसे डायाफ्राम कहते हैं को लगाया जाता है यह डायाफ्राम साउंड वेव्स के वाइब्रेशन को मेटल कॉइल तक पहुंचाता है जब साउंड डायाफ्राम से टकराती है तो जो वाइब्रेशन होता है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है यानी कि बिजली पैदा होती है बिजली कितनी बनेगी या इस बात पर निर्भर करता है कि डायाफ्राम कितना वाइब्रेट कर रहा है फिर यह बिजली या इलेक्ट्रिकल सिग्नल तार के द्वारा ऑडियो डिवाइस में जाता है इस प्रकार के माइक्रोफोन का उपयोग बहुत तेज वॉल्यूम को संभालने के लिए किया जाता है जैसे इलेक्ट्रिक एम्पलीफायर या ड्रम्स इसमें किसी भारी पावर या बैटरी की आवश्यकता नहीं होती और इसमें कोई भी आंतरिक एम्पलीफायर नहीं होता है ज्यादातर लाइफ परफॉर्मेंस में इस प्रकार के माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है कंडेंसर माइक्रोफोन कंडेंसर माइक्रोफोन में आगे एक डायफ्राम लगा होता है और उसके पीछे बैक प्लेट लगी होती है दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर होती है जब ध्वनि डायफ्राम से टकराती है तो यह वाइब्रेट करने लगता है इसके कारण डायफ्राम और बैक प्लेट के बीच की दूरी बदलती रहती है इस बदलाव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में ट्रांसफर किया जाता है जहां डायनामिक माइक्रोफोन बिना इलेक्ट्रिसिटी की चलती है वही कंडेंसर माइक्रोफोन को इलेक्ट्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कंडेंसर माइक्रोफोन से निकलकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इतना छोटा-छोटा होता है कि उसे एम्पलीफायर की आवश्यकता पड़ती है एम्पलीफायर उस सिग्नल को बढ़ा देता है ये डायनामिक माइक से कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होते हैं फिल्म प्रोडक्शन के लिए इन माइक्स का यूज होता है ये काफी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कंडेंसर माइक्रोफ़ोन कैन बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी और इनको बैटरी और पावर सप्लाई चाहिए होती है पावर सप्लाई के लिए ये माइक फैंटम पावर का यूज करते हैं फैंटम पावर कंडेंसर माइक के लिए बैटरी का काम करता है यह पावर सप्लाई इनविजिबल होती है इसलिए इसका नाम फैंटम पावर है अब बात करते हैं माइक्रोफोन पैटर्न की द माइक्रोफोन पैटर्न इज द एरिया पिक्स अप साउंड फ्रॉम तो बात करते हैं सिक्स एसेंशियल माइक्रोफोन पिकअप पैटर्न की जो हर एक फिल्म मेकर को पता होने चाहिए तो देखते हैं कौन-कौन से माइक्रोफोन पिकअप पैटर्न हैं ओमनी डायरेक्शनल इन माइक्रोफोन्स का पैटर्न सर्कुलर होता है जिससे ये हर डायरेक्शन से ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं ये माइक्रोफोन्स काफी फ्लेक्सिबल होते हैं बट दे आर आल्सो द नॉइज़ीएस्ट ये एंबिएंट नॉइज़ को भी इजीली पिक करते हैं फिल्म मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में ऑलमोस्ट जितने भी लावलियर या लैपल माइक होते हैं उनमें आपको ओमनी डायरेक्शनल पिकअप पैटर्न मिलता है यह माइक्स इंटरव्यूज और मूविंग सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट है कार्डियोइड इन माइक्रोफोन्स का पिकअप पैटर्न हार्ट शेप्ड होता है एंड द पिकअप साउंड फ्रॉम द फ्रंट एंड साइड्स बट पुअरली फ्रॉम द रेयर जनरल यूज के लिए ये बेस्ट माइक्रोफोन्स होते हैं अधिकतर हैंडल माइक यूजुअली कार्डियोइड ही होते हैं डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्डिंग वेडिंग फिल्म्स और इवेंट्स में आप कार्डियोइड माइक का यूज कर सकते हैं हाइपर कार्डियोइड इसका पिकअप पैटर्न डायरेक्शनल होता है दैट इज ग्रेट फॉर आइसोलेटिंग ऑडियो कुछ लिपेल में आपको हाइपर कार्डियोइड पिकअप पैटर्न मिल जाता है लेकिन जनरली शॉर्टगन माइक्स में ही आपको यह पैटर्न देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्रीज और ऑन कैमरा माइक्स में हम हाइपर कार्डियोइड माइक का यूज कर सकते हैं सुपर कार्डियोइड, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए ये सबसे पॉपुलर माइक्रोफोन्स होते हैं क्योंकि दे गिव यूजर्स एबिलिटी टू आइसोलेट ऑडियो स्टिल मार्जिन ऑफ एरर। ये पिकअप पैटर्न आपको शॉर्टगन माइक्स में ही मिलता है इस माइक को आप कैमरा में माउंट कर सकते हैं या फिर बूम पोल्स में यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सुपर कार्डियोइड पिकअप पैटर्न माइक्रोफोन के पीछे से भी थोड़ी ऑडियो पिक करता है तो अगर आपने सुपर कार्डियोइड माइक को कैमरे में माउंट कर रखा है तो यू विल नीड टू कीप योर ऑपरेटिंग टू अ मिनिमम। रियलिटी टीवी और स्क्रिप्टेड कंटेंट के लिए यह माइक परफेक्ट है लोबर या यूनिडायरेक्शनल अ लोबर पैटर्न इज द मोस्ट डायरेक्शनल पिकअप पैटर्न यू कैन यूज द पिकअप ऑडियो ओनली फ्रॉम द डायरेक्शन बैरल ऑफ द माइक्रोफोन इज पॉइंटिंग नरेटिव फिल्म डायलॉग डिलीवरी और कंट्रोल सेट में आप इसका यूज कर सकते हैं बाई डायरेक्शनल डिजाइन होते हैं कि ये माइक के फ्रंट और बैक से बराबर ऑडियो को पेक करते हैं इनका इस्तेमाल रेडियो इंटरव्यू या पोडकास्टिंग के लिए किया जाता है फिल्म सेट में यह माइक देखने को नहीं मिलता पर टॉक शोज के दौरान यह माइक एज अ बैकअप यूज किया जा सकता है जब भी कोई प्रोफेशनल वीडियो शूट करते हैं तो आपको शूटिंग सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने माइक्स को चूज करना होता है कि आपको लिपेल माइक्रोफोन चाहिए या शॉटगन माइक्रोफोन क्योंकि देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल व्हेन रिकॉर्डिंग ऑडियो ऑन अ फिल्म सेट शॉर्ट माइक की हेल्प से आप बेस्ट साउंड क्वालिटी अचीव कर सकते हैं यह आपको क्लियर और हाई क्वालिटी ऑडियो देता है By picking up specific sounds without recording other undesirable audio sources, इसलिए ये काफी क्रिशियल है आपकी filmmaking के लिए अगर आप डॉक्यूमेंट्री या नेरेटिव फिल्म बनाना चाहते हैं वेडिंग वीडियोज़ के लिए भी शॉर्ट गन माइक्रोफोन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट गन माइक के साथ आप बूम पोल यूज कर सकते हैं बूम पोल में आप सिक्योरली अपने माइक्रोफोन को माउंट करते हैं एंड लेट इन ऑफ डायरेक्शन चेंज पोजिशन एंड फॉलो योर साउंड सोर्स इसके अलावा अगर आप, आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो आपको विंडशील्ड या विंड स्क्रीन का यूज करना चाहिए ये एक्सेसिव विज को रिड्यूस करते हैं जिससे आपको प्रोफेशनल क्वालिटी की ऑडियो मिल सके लावलियर माइक्रोफोन्स इन माइक्रोफोन्स को हम कॉलर क्लिप माइक्रोफोन भी बोलते हैं दे आर इफेक्टिव टूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियो एज क्लोज टू अब्जेक्ट एज पॉसिबल विदाउट बींग विजिबल इन द शॉर्ट ये वायर्ड और वायरलेस दोनों वर्जन में अवेलेबल होते हैं टेलीविजन इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्री फिल्म और कॉर्पोरेट वीडियो में आप इन माइक्रोफोन्स का यूज कर सकते हैं यू विल वॉन्ट टू गेट दीज माइक्स एज क्लोज टू द सेंटर ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल इन माइक्रोफोन्स में आपको क्लिप और विंडशील्ड भी मिलती है अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप एक्सेलर माइक्स का यूज कैसे करेंगे इफ़ यू वांट योर वीडियो साउंड ग्रेट, तो आपको एक सेपरेट पोर्टेबल साउंड रिकॉर्डर चाहिए या फिर आप एक्सेलर ऑडियो एडेप्टर यूज कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल साउंड रिकॉर्डर क्या होता है जब आप एक सेपरेट डिवाइस में ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं उसको डबल सिस्टम शूटिंग बोलते हैं अब आप सोच रहे होंगे अगर मेरे पास साउंड रिकॉर्डर है तो मुझे माइक्रोफोन की क्या जरूरत दोस्तों अ साउंड रिकॉर्डर जस्ट वन पीस ऑफ़ द पजल इन अ फुल ब्लोन लोकेशन ऑडियो केट अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल ऑडियो कैप्चर करनी है तो इन रिकॉर्डर्स में आपको एक्सएलआर इनपुट्स मिलते हैं जिनमें आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स प्लग कर सकते हैं चाहे वो लेपेल हो या शॉटगन माइक जब भी आप एक्सटर्नल साउंड रिकॉर्डर का इस्तेमाल करें तो आप कैमरा में साउंड को इनेबल रखें जिससे पोस्ट प्रोसेसिंग में आप एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्डर की ऑडियो को अपनी डीएसएलआर या मिररलेस की वीडियो के साथ सिंक कर सकते हैं साउंड रिकॉर्डर में आपको कंडेंसर माइक यूज करने के लिए फैंटम पावर भी मिलती है दूसरा ऑप्शन है आप हाई क्वालिटी के माइक्रोफोन को डायरेक्टली डीएसएलआर या मिररलेस में कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग एक्सएलआर एडेप्टर और प्रियम एक्सएलआर आर एडेप्टर के काफी एडवांटेज है इसमें आपको हेडफोन जैक साउंड को मॉनिटर करने के लिए ऑडियो मीटर मल्टीपल एक्सएलआर इनपुट्स फैंटम पावर जैसे फीचर्स मिलते हैं तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने किस तरीके से ऑडियो को कैप्चर करना होता है डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा में वो सीखा तो आज के लिए सिर्फ इतना ही धन्यवाद